दोस्तों, विवेक कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पूरे नोटपैड के बारे में सीखेंगे, नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं और इसमें किस तरह से काम हम लोग करते हैं हर एक मेनू के बारे में। तो आइए दोस्तों, देखिए अपने कीबोर्ड के से आप विंडो बटन दबाएंगे और आर दोनों एक साथ दबा देंगे तो रन कमांड खुलेगा। दोस्तों, रन कमांड में आके इसमें टाइप करिएगा, विन पैड लिखिएगा, नोट पैड लिख के जब आप इंटर मारेंगे तो देखिए आपका नोट पैड खुल जाएगा। यहाँ पे जो नोट पैड है, यहाँ पे देखेंगे जो पेज का नाम होता है इसके फाइल का अनटाइटल्ड होता है और ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम होता है नोट पैड। इस पूरे एरिया को जिसमें ये शो कर रहा है टाइटल बार कहते हैं, और टाइटल बार में ही तीन बटने दी होती हैं जिसको हम लोग मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज के नाम से जानते हैं। जब हम मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारी विंडो पे स्क्रीन चल रही है ये हमारे टास्क बार में चली जाती है, यानी कि यहाँ पे एरो पे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ ये एरो पॉइंटर जा रहा है उस चीज़ पे नोटिस करिएगा, इस पॉइंट के बार बोलते हैं, यहाँ पे चली जाती है। जैसे देखिए क्लिक की, ये फाइल कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो जितनी भी फाइल चलाते हैं यहाँ आ जाती है। फिर अगर हमें ओपन करना है तो हम ठीक है यहीं पर क्लिक कर देंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर इस स्क्रीन को अगर हमें फुल स्क्रीन दिखाना है तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे, ये तुरंत बड़ा हो जाएगा। छोटा करना है तो दोस्तों फिर यहीं पे क्लिक कर देंगे, छोटा हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन है, अगर हम क्लोज करेंगे तो ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा ना ही टास्क बार में आएगी, ये पूरी तरह से फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ना ही अभी स्क्रीन पे दिख रही ना ही यहाँ दिख रही है, पूरी तरीके से क्लोज हो गई। ठीक उसे दोबारा ओपन करने के लिए विंडो आर दबाएंगे और यहाँ पर नोट पैड आके लिखेंगे रन कमांड में दोस्तों, और लिखने के बाद इंटर दबा देंगे खुल जाएगा। आइए देखते हैं मेनू के बारे में। देखिए यहाँ पे पहला दिया है फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू और हेल्प। इसमें सबसे पहले हम लोग फाइल मेनू से देखते हैं। तो फाइल मेनू में सबसे पहला दिया है न्यू। न्यू एक किस तरह से काम करता है, न्यू का मतलब होता है नया दोस्तों। इसकी शॉर्टकट दी है कंट्रोल के साथ एन। जैसे हम कोई फाइल वगैरह टेम्पलेट लिखे हुए हैं, जैसे हम लिखे ASDF लिख दिए, इस फाइल को हमें ज़रूरत नहीं है, गलत हो गया, या किसी का डाटा तैयार कर रहे हैं, रिज्यूम है या डाटा या कुछ भी अगर हम इसमें लिख रहे हैं, या कोई भी डाटा अगर गलत हो गया, तो अगर हमें उसे नई फाइल लेना चाहते हैं तो हम फाइल में आएंगे और न्यू पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों देखिए, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, यानी जो हमारे पेज का नाम है वो अनटाइटल्ड है, अगर इसको अगर हम सेव करके बदलना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे, अगर हम नहीं चाहते कि वो सेव हो तो डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, वो सेव भी नहीं होगा और ऑटोमेटिक आपको नया पेज यहाँ से मिल जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव होकर तब आपको मिलेगा। देख लीजिए जैसे दोस्तों, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है आप कहाँ सेव करेंगे, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप पे, और फाइल का नाम यहाँ कह रहा है फाइल नेम, और ये जो .txt देख रहा है इसका एक्सटेंशन नेम होता है, हर एक फाइल का अपना एक्सटेंशन नेम होता है, तो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt। यहाँ आगे जैसे मैंने फाइल का नाम रख दिया नेम, और नेम जैसे नाम रखे और यहाँ पे इंटर दबा दें, यहाँ पे इंटर दबा देंगे तो सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक किए देखिए दोस्तों नया पेज हो गया, लेकिन ये जो फाइल हमारी है ये सेव हो गई यहाँ पे। जैसे हम इसको ओपन खोलेंगे इसमें मिलेगा ASDF, लेकिन ठीक अभी मैंने देखा डोंट सेव। जब हम इसी फाइल को जैसे दोबारा हम इसमें कुछ राइट करते हैं, राइट करने के बाद फाइल में आए और यहाँ से न्यू किए और डोंट सेव पे क्लिक करें, देखिए दोस्तों नया पेज मिल जाएगा लेकिन फाइल कोई सेव नहीं होगी। जैसे देखिए क्लिक किए नया पेज मिल गया, लेकिन कोई फाइल हमारे डेस्कटॉप पे देखिए दोस्तों नहीं सेव हो गई, क्योंकि मैंने क्या कर दिया था डोंट सेव, मुझे फाइल को सेव नहीं करना है, केवल उसे हटा के नया पेज चाहिए था, तो ऐसे नया पेज मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग गलती से कहीं फाइल न्यू में आके या फाइल कुछ भी लिखे अगर सेव पे क्लिक कर देंगे तो पहले सेव होगा इसके बाद हटेगा। अगला दिया दोस्तों ओपन। ओपन का मतलब होता है जिस कोई भी फाइल, जैसे यही फाइल मैंने अभी नोट पैड में नेम नाम से फाइल बनाई, अगर इसी को मैं इस पर ओपन करना चाहता हूँ तो फाइल मेनू में आएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे, और जहाँ पे हम रखे हैं फाइल को उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम डेस्कटॉप पे रखें तो किसको सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप को सेलेक्ट करने के बाद हम उस फाइल को खोजेंगे, यहाँ से नोट पैड है में नेम नाम से फाइल है, तो नेम नाम की फाइल को हमने खोजा और यहाँ से ओपन, देखिए दोस्तों ASDF लिखे तो ASDF ओपन हो गया। इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अगर हम बनाए हैं, पहले से फाइल मौजूद है हमारे कंप्यूटर में, उसको नोट पैड में ओपन दोबारा करना चाहते हैं तो फाइल में आएंगे ओपन से सेव ओपन करेंगे। अगला दिया दोस्तों ओपन में सेव। सेव का मतलब होता है किसी फाइल को सुरक्षित करना, दो ऑप्शन है सेव है सेव। अगर पहली बार कोई फाइल अगर हम सेव कर रहे हैं, कोई भी फाइल अगर हम सेव करेंगे तो भी आपको सेम लगेगा सेव हो रहा है, सेव एज करेंगे तो भी आपको सेम लगेगा, लेकिन ये बनाया इसलिए गया था
जैसे अगर आप किसी भी फाइल को सेव कर रहे हैं पहली बार, तो आप सेव एज करिए। अब उसी फाइल में अगर आप कुछ चेंज किए हैं और नई फाइल क्रिएट नहीं करना चाहते दोबारा से, तो आप उसमें एक्सचेंज करिए जो भी करना है। लेकिन अगर आप नई फाइल नहीं बनाना चाहते हैं, उसी में सेव करना चाहते हैं, तब आप ऐसी कंडीशन में सेव का यूज़ करिए। जैसे दोस्तों पहले बहुत लोग मिक्सिंग करते थे, तो आधी 1 घंटे 1.5 घंटे की मिक्सिंग होती थी। अब 20 मिनट 25 मिनट किए तब तक लाइन कट गया, तो फिर उन कट जाएगी तो उस फाइल को दोबारा से एडिट करने में उनको दिक्कत होती थी। इसीलिए सेव सेव एज बना दिया गया, ताकि अगर एक बार आप फाइल को सेव एज कर लीजिए, फिर दोबारा आप जब एडिट करिए फिर उसको सेव करके उसी में रख दीजिए, ताकि अगर लाइट कट ही जाए फिर आप जब आए लाइट आप ऑन करिए कंप्यूटर को, और ऑन करके फिर से वहीं से एडिट आपको करने का चांस मिलेगा। फिर आप वहीं से एडिट करेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर उसी फाइल में आपके जाके सेव होती रहेगी, आपको डुप्लीकेट फाइल बनने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि देखिए हम ASDF एक फाइल बनाते हैं नई, दोनों में देखते हैं, विंडो प्लस आर नोट पैड। देखिए नोट पैड में आएंगे, लिखिए हम नोट पैड। इस फाइल को हम फाइल के सेव एज किए दोस्तों, और डेस्कटॉप में आए और यहाँ पे आके नाम रखे इसका नोट, एंटर किए। देखिए दोस्तों डेस्कटॉप पे नोट नाम से फाइल बन गई। अब इसी में हम एक और नाम रखे आगे, नोट पैड एज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। जैसे लिखे दोस्तों, लिखने के बाद हम फाइल में आए, हम चाहते हैं कि नई फाइल नहीं क्रिएट हो, उसी फाइल में जाके सेव हो जाए, तो किस पे क्लिक कर देंगे, सेव पे। देखिए दोस्तों इसे कट कर देते हैं, हम इस फाइल को ओपन करते हैं। अभी इसके पहले जब पहली बार सेव किया था तो केवल नोट पैड लिखा था, लेकिन बाद में मैंने कुछ चेंजिंग किया, देखिए क्या वो आता है। दो बार क्लिक करते हैं, देखिए जी हाँ दोस्तों ये आ गया, यानी नोट पैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर, मैं यही लिखा था। ये चीज़ आपको जब दोबारा लिखा हूँ तो आ गया है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम सेव एज कर दिए होते तो दोबारा से ये फाइल क्रिएट होती, यानी दूसरी फाइल हमारे पास बन के तुरंत तैयार होती। देखिए दोस्तों जैसे मैं फाइल किया सेव एज की, तुरंत कह रहा है दूसरी फाइल सेव करने के लिए। ये होता है सेव एज, सेव एज में अंतर। जैसे अगर पहले दोनों में अगर हम पहली बार कोई नई फाइल बनाए हैं सेव करेंगे तो वैसे ही सेव होगा, सेव एज करेंगे तो भी वैसे ही होगा। लेकिन अगर हमें कोई फाइल डुप्लीकेट बनानी है तो सेव एज का यूज कर लेंगे, या अगर कोई फाइल बनाए हैं पहले से उसमें और भी कुछ कंटेंट हमें लिखना है तो लिख लेंगे, और दोबारा नई फाइल क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं तो दोबारा से हम लोग फाइल से आके सेव पे क्लिक कर देंगे, उसी फाइल में जाके वो फाइल मैटर आपका स्टोर हो जाएगा। अगला दिया है दोस्तों, फाइल में आएंगे पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, सेटअप और दूसरा नाम सेटिंग एज समझ लीजिए आप। पेज को सेट करना है, आप हर एक पेज के कोने में चार मार्जिन पाएंगे, जो आप हर एक पेपर प्रिंट करते हैं तो ऊपर की तरफ एक छूटा हुआ मिलेगा आपको, नीचे मिलता है, लेफ्ट साइड मिलता है, राइट साइड मिलता है, तो इसको मार्जिन कहते हैं। पेज की मार्जिन होती है, पेज के चारों तरफ मार्जिन होती है। उस चीज़ को सेट करने के लिए आप नोट पैड का यूज़ कैसे करेंगे, फाइल में आ जाएंगे और पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। पेज सेटअप में आएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो रहा है, आप यहाँ साइज में आएंगे, लेटर जिस तरह का बनाना होगा आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। सपोज दैट लेटर यहाँ पे है, आप लेटर में आइए, यहाँ से नॉर्मली साइज लेटर आप A4 साइज रख लीजिए नॉर्मली करके, जो नोट पैड में साइज हम लोग लिखते हैं कुछ भी मैटर, A4 साइज में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने A4 साइज रख लिया। अब इस पेज को आप किस तरह से घुमाना चाहेंगे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, आप वो रख लीजिए, और यहाँ से लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन रख लीजिएगा। जैसे लेफ्ट मार्जिन आप रख लेंगे 5, और तो देखिए ये जो प्रीव्यू एरिया हो रहा है इतना, यानी कि जो स्पेस छूटा है इतना आपके पेज में मैटर नहीं छपेगा। देखते हैं एग्जिट मेनू को, एग्जिट मेनू, एग्जिट का मतलब होता है दोस्तों बाहर निकलना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम नोट पैड से तुरंत बाहर हो जाएंगे। देखिए एग्जिट पर क्लिक किए, ये फाइल हमारी क्लोज हो गई। इसी तरह और भी फंक्शन दिए हुए हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब विंडो आर किए दोबारा से, और इसमें आए लिखे नोट पैड, इंटर, ये ऑन हो गया फिर से नोट पैड। अब हमारा दोस्तों फाइल मेनू पूरा कंप्लीट हो गया। अब एडिट मेनू के बारे में देखते हैं, एक करके एडिट में आएंगे। जैसे एडिट में आया देखिए दोस्तों
पेस्ट रिप्लेस सेलेक्ट ऑल टाइम डेट, ये हाईलाइट है, पेस्ट भी आपका हाईलाइट नहीं रहेगा, इनकेस मैं इसमें कुछ कॉपी कर दिया हूँ इसकी वजह से है, बाकी चीज़ें आपकी सेम वैसे ही रहेंगी। अब आइए देखते हैं क्यों हाईलाइट है क्यों नहीं है, किस तरह से हाईलाइटेड होगा। जैसे हमें इसमें कुछ लिखेंगे दोस्तों, लिखने के बाद अब देखिएगा कुछ और हाईलाइट होगा कुछ नहीं। जैसे हम लोग लिख दिए विवेक कंप्यूटर एजुकेशन चैनल, अब एडिट मेनू में आएंगे, पहला दिया हुआ है अंडो यानी कंट्रोल जेड, इसकी शॉर्टकट है, देखिए बगल में शॉर्टकट दे रहा है, इधर नाम दे रहा है अंडो। जैसे मान लीजिए इसका यूज वहाँ करते हैं, जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं और इसको हम डिलीट कर दें, या तो दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस दबा दें या तो कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दें, ये टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, हो गया। और जब अब हमें वापस लाना है उसे, तो एडिट में आएंगे अंडो पे क्लिक कर देंगे, ये दोबारा से आ जाएगा, या तो कंट्रोल जेड दबा देंगे तो भी आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि फिर से चला जाए तो कंट्रोल जेड दबा देंगे चला जाएगा, फिर से आ जाए तो कंट्रोल जेड दबा देंगे आ जाएगा। तो एक किसी टेक्स्ट को एक बार फाइल से हटाने और लाने के लिए हम लोग कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। तो नोटपैड में अंडो और रेडो करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए हम लोग कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला दिया है दोस्तों कट, कंट्रोल एक्स ए फाइल और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये तीन जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और कई जगहों पे इसका यूज किया जाता है। अब जैसे देखिए दोस्तों, पहले कॉपी करते हैं, जैसे हम चैनल को सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाएंगे या फिर एडिट में आके कॉपी किए, देखिए कॉपी क्लिक किए, अब हम मान लीजिए यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो इंटर दबा के कर्सर को यहाँ ले आए, कंट्रोल वी दबाए, क्या हुआ दोस्तों पेस्ट, या तो एडिट से आके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे पेस्ट होगा, यानी इतनी बार चाहेंगे उतनी बार पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम यही चीज़ कॉपी ना करके कट करेंगे तो ए मैटर जो चैनल है यहाँ से हट जाएगा और उस स्थान पे केवल जाएगा जहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, और कॉपी में जिस स्थान से कॉपी करेंगे वहाँ पर भी दिखेगा और जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी दिखेगा। जैसे देखिए चैनल को कॉपी करके हम पेस्ट किए थे तो यहाँ पर भी दिख रहा है दोस्तों, दो चैनल जितनी बार पेस्ट किए, दो बार किए तो दो बार, और यहाँ से हम कॉपी किए थे तो यहाँ पर भी दिख रहा है। ऐसे ही मान लीजिए अब इस चैनल को हम कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल एक्स करेंगे तो मैंने अभी अभी कहा दोस्तों कि ए पूरी तरीके से यहाँ से हट जाएगा, केवल वहाँ शो करेगा जहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों इसको हम कंट्रोल एक्स कर दी, अब यहाँ से हट गया दोस्तों। अब एक बार इंटर करते हैं, नीचे आते हैं, एडिट में आए, पेस्ट किए, देखिए दोस्तों चैनल दिख रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ से हट गया, केवल यहाँ दिख रहा है। तो अगला दिया डिलीट, डिलीट करने के लिए हम लोग डिल बटन दबाते हैं, जैसे किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए डिलीट करना है तो कीबोर्ड से डिलीट दबा देंगे दोस्तों, डिलीट हो जाएगा। और एक से दोस्तों और डिलीट बटन का यूज़ किया जाता है, जैसे चैनल लिखा हुआ है आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, आप बैक स्पेस दबाइए, देखिए कर्सर के पीछे का डिलीट हो रहा है, अगर आगे का डिलीट करना है तो डिलीट बटन दबाएंगे तब डिलीट होगा। और सेलेक्ट करके अगर आप किसी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहेंगे तो आप बैक स्पेस से भी डिलीट कर सकते हैं और डिलीट की से भी डिलीट कर सकते हैं, ये आपका यूज होता है बैक स्पेस और डिलीट की का। आगे दोस्तों फाइंड दिया है, फाइंड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जैसे कोई टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं उसको खोजना चाह रहे हैं, वो टेक्स्ट हमारे लिखे गए कंटेंट में कितनी बार आया है, या फिर कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो फाइल कोई ऐसी स्पेलिंग है जो आपको नहीं आ रही है, गलत आ रही है, आप वही चीज़ बार बार लिखेंगे, एक बार अगर आप लिखे हैं तो उसी चीज़ को बार बार लिख देंगे। अब वो चीज़ अगर आपको सही करनी है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो चीज़ हम कहाँ कहाँ लिखे हैं, उसके लिए कंट्रोल के साथ F दबाएंगे
और आसानी से फाइल को खोज लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट लिख दिए हैं, हम विंडो बार दबाए और यहाँ से दोस्तों विन वर्ड खोल लिए, कुछ टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग कॉपी पेस्ट सिखाया। तो ये हमारे पास जो अभी खुला है एम एस वर्ड है, आप इसमें आके इक्वल लिखेंगे दोस्तों और रेंड लिखेंगे, दोनों तरफ से ब्रेकेट लगा के जैसे आप इंटर दबाएंगे इतना टेक्स्ट कुछ लिख के आ जाएगा आपके पास। आप इसको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लीजिए। अब आप इस फाइल को क्लोज कर दीजिए और करने के बाद नोट पैड को आप खोल लीजिए। दोस्तों आप कुछ भी कंटेंट लिख लीजिएगा, हम बस जल्दी के लिए आपके लिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दीजिएगा दोस्तों, पेस्ट हो जाएगा, इतना मैटर आपको मिल जाएगा। लाने के बाद आप जैसे देखना चाहते हैं इसमें क्विक कहाँ है, क्विक कहाँ कहाँ है, तो आप कंट्रोल के साथ एफ दबा दीजिएगा। कह रहे फाइंड व्हाट, आप क्या पाना चाह रहे हैं, क्विक, तो लिखिएगा QUICK क्विक। अब यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे, कह रहे कैन नॉट फाइंड क्विक, आप अब पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा। देखिए जहाँ जहाँ होगा वो हाईलाइट होगा, एक क्विक देखिए दोस्तों यहाँ हाईलाइट हो रहा है, दोबारा क्लिक किए अब देखिए दोस्तों यहाँ हाईलाइट हो रहा है, फिर से क्लिक करेंगे यहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ है वहाँ हो रहा है। और इसी चीज़ को अगर मान लीजिए आप एक क्लोज कर दिए, अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं पेज पे क्लिक नहीं करिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका सिलेक्शन अब देखिए दोस्तों ये टेक्स्ट आ गया। अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, इसमें से देखना चाहते हैं क्विक कितनी बार आया है, उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं हम, क्विक कहाँ कहाँ लिखे हैं, तो आप ऐसे कंडीशन में एडिट मेनू में आइएगा और फाइंड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप फाइंड में क्लिक करेंगे आप वो यहाँ पे वर्ड्स लिख दीजिएगा जो चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं, और यहाँ पे अप पे क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। देखिए दोस्तों एक जगह है हाईलाइट हुआ, दोबारा है, दोबारा हाईलाइट हुआ, फिर क्लिक करेंगे फिर हुआ। इसी चीज़ को आप आगे बढ़ने के लिए जहाँ जहाँ है आपके पास एक शॉर्टकट की है, इस तरह से आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद ये जो कर्सर देखिए दोस्तों है आपके नोटपैड पे, आप इसे कहीं क्लिक नहीं करिएगा, ठीक आप कहाँ आ जाएगा एडिट मेनू में, यहाँ आप देखिए फाइंड नेक्स्ट दिया, इसकी शॉर्टकट F3 है, आप अपने कीबोर्ड से F3 बटन दबा दीजिएगा और आप इस पे पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ था तो यहाँ से कहाँ पहुँच गए आप, यहाँ। इस तरह से और भी होगा तो आप आगे बढ़ते हुए चले जा सकते हैं। तो फाइंड नेक्स्ट करने की शॉर्टकट F3 होती है, पहली बार आप फाइंड कर लीजिएगा फिर फाइंड नेक्स्ट करते रहिएगा, F3 दबा के आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट होता रहेगा। लेकिन खैर अब देखिए इसके बाद आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है, तो अब आप F3 दबाएंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, कह रहा है कैन नॉट फाइंड क्विक। अब ये आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि ये आपके पास मौजूद नहीं है। देखिए दोस्तों आगे देखिए, यहाँ से चल जाइए आप आगे, आपको कोई भी क्विक नाम का टेक्स्ट नहीं मिलेगा। देखिए ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम दैट डिजाइन कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। देखिए दोस्तों कहीं नहीं आपको मिल रहा है इस तरह से, तो जहाँ जहाँ होगा आप क्विक टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी टेक्स्ट आपको फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपको क्विक देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों यू को हम बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों यू लिखने के बाद यहाँ पर विवेक राजा है। अब हम सबसे पहली बात तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे, उसको सर्च करेंगे। देखिए दोस्तों एक यहाँ पर यू है, एक यहाँ पर यू है, कई जगह यू आया है, कई दफ़ा आया है। अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, जहाँ जहाँ यू होगा वहाँ पे हाईलाइटेड होगा। अब जिस यू को हम बदलना चाहेंगे उस यू को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए दोस्तों हम आगे बढ़ गए और सबसे पहले हम उस यू को बदलना चाहते हैं जहाँ मुझे जाना है। अब तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ गए तो यह ही नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, ये जो अपना कर्सर है हम इस कर्सर को यहाँ रख देंगे शुरू में, रखने के बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए सेलेक्ट होगा जैसे ही ये यू, हम किस पे क्लिक कर देंगे, रिप्लेस पे। अब रिप्लेस किए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यू की जगह क्या हो गया, विवेक सर। लेकिन अगर हम जहाँ जहाँ यू है वहाँ पर हर जगह ये कई बार में चाहते हैं कि विवेक सर हो जाए, तो हम यहाँ से रिप्लेस आल कर देंगे दोस्तों, सब जगह विवेक सर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर था तो यहाँ पर विवेक सर हो गया,
और यहाँ पर विवेक सर हो गया, यहाँ पर विवेक सर हो गया, और जहाँ यानी कि यहाँ पर देखे दोस्तों विवेक सर हो गया, जहाँ जहाँ यू था वहाँ पर विवेक सर आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से आप फाइंड और फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस रिप्लेस साल का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको खोज के देगा टेक्स्ट जो आप फाइंड वाट में लिखे होंगे, और रिप्लेस विद वाला जो है वो आप रिप्लेस क्लिक करेंगे तो फाइंड वाट की जगह आ जाएगा, जैसे यू की जगह विवेक सर आ गया। और अगर रिप्लेस साल कर देंगे सब एक ही बार में चेंज हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों अगर आप नोटपैड में अगर कोई गलती किए हैं कोई टेक्स्ट बनाते हुए, तो आप एक बार उसको का उसकी मीनिंग सही से कहीं से रीड कर लीजिए और कंट्रोल एच दबा के रिप्लेस करके फाइंड वाट में अपना एरर मीनिंग डाल दीजिए और रिप्लेस विथ में सही डाल के और रिप्लेस साल कर दीजिए, आपके सब के सब जो एरर मीनिंग होगी वो तुरंत करेक्ट हो जाएगी दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। एडिट में आने के बाद अगला दिया है गो टू। देखिए दोस्तों ये हाईलाइट नहीं हो रहा। नोट पैड में एक कंडीशन होती है, अगर आप फॉर्मेट मेनू में आएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ओवर ड्राइव दिया है, अगर ए ऑन ऑफ रहेगा, अगर ए ऑन रहेगा दोस्तों तो गो टू हाईलाइट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आप इसको ऑफ कर दीजिएगा, जैसे देखिए दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा। आप आइए फॉर्मेट में, देखिए यहाँ से टिक हट गए। अब आप एडिट में आएंगे और गो टू में आएंगे तो आप जैसे इंटर करेंगे तो आपको इस तरह की लाइन मिलेगी। लाइन जो है अब इस लाइन में मैं यहाँ क्लिक किया हूँ, मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं पाँचवें लाइन में चला जाऊँ, तो इस तरह से गिनना होगा। मान लीजिए हमारे पास 1000-1500 की फाइल है, तो उस तरह से मुझे अगर पाँचवीं लाइन में जाना हो तो काफ़ी दिक्कत होगी, ऊपर नीचे या तो स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे तो भी दिक्कत होगी, करेक्ट हम एग्जैक्ट उसी लाइन में नहीं पहुँच पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, एडिट में आना होगा और गो टू पे क्लिक करना होगा और इसमें वो लाइन का नंबर डाल देना होगा, जैसे मैंने डाल दिया 5। डालने के बाद आप गो टू पे जैसे क्लिक करेंगे आप पाँचवें नंबर पर देखिए दोस्तों पाँचवें नंबर पे लिखा रहे हैं। आप ऊपर से गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 और एक नीचे जो मैं लिखा हूँ 5। तो आप इस तरह से गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखेंगे सेलेक्ट डाल दिया है, सबको एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप एडिट में आके सेलेक्ट डाल पे क्लिक कर देंगे, पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। एडिट के बाद दिया है टाइम डेट, टाइम डेट दिया, इसकी शॉर्टकट F5 है दोस्तों। हम कीबोर्ड से F5 बटन दबाएंगे तो हमारे नोटपैड पे वो डेट और वो टाइम आ जाएगा जो हमारे नोटिफिकेशन एरिया में दोस्तों यहाँ पर होगा। जैसे हम देखिए दोस्तों हमारे नोटिफिकेशन एरिया में 11:55 हो रहा है और 7 तारीख 3/3/2023 हो रहा है। यही टाइम अगर हमें यहाँ लाना है तो हम कीबोर्ड से F5 बटन दबा देंगे, आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये होता है एडिट मेनू का टाइम एंड डेट। हाँ देखिए दोस्तों हम लोग फॉर्मेट में आते हैं, वर्ड ड्राइव के बारे में देखें। देखिए दोस्तों ये अनचेक है, अब जैसे ही ये अनचेक है अभी हम लोग आप वो नोटपैड में आए। हाँ तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में दो ही ऑप्शन, वर्ड ड्राइव और फंड। अब वर्ड ड्राइव देखिए अनचेक है, इसको अनचेक हम किए हैं जब आपको एडिट से गो टू पढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों गो टू हाईलाइट नहीं हो रहा, आप लोगों ने देखा था क्यों नहीं हो रहा था। फॉर्मेट में आएंगे, वर्ड ड्राइव का यूज़ तब करते हैं जब हमें लाइन कोई भी लिखें और टेक्स्ट की फाइल में लाइन लिखा जाए और उसे ऑटोमेटिक लाइन को बदलना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वर्ड ड्राइव को ऑन रखते हैं। और अगर एक ही लाइन में मुझे कुछ भी लिखना होता है, हम चाहते हैं कि जब तक हम इंटर ना दबाएं तब तक वो लाइन चेंज ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको ऑफ करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों ऑफ है, अब हम लोग लिखते जा रहे हैं कुछ भी मैटर लिखेंगे ये तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि हम लोग कीबोर्ड से इंटर नहीं। देखिए दोस्तों अब आपका मैटर जो है वो आगे अंदर की तरफ इधर इधर देखिए दोस्तों जहाँ पे कर्सर अंदर की तरफ बहुत सारा चला गया। अब इसको देखने के लिए हम लोग हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार से हम लोग इसको इधर उधर करके आसानी से देख सकते हैं। और इसी चीज़ को अगर बदलना चाहते हैं हम लोग कि नहीं जब हम इंटर दबाएं तब ये लाइन चेंज हो जाए, या तो फिर आप ऑटोमेटिक, अब इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि जितनी लाइन लिखें हम ये ऑटोमेटिक लाइन अपनी बना लें, तो हम फॉर्मेट में आएंगे, वर्ड ड्राइव को ऑन कर देंगे ऑटोमेटिक। देखिए दोस्तों 3 लाइन लिखे थे तो 3 लाइन, अब 3 लाइन जब एडजस्ट हो गया 3 लाइन में 1 लाइन, तो अब नीचे वाला आपका जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है दोस्तों हट गया। देखिए अब आपको इधर उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आपको
जरूरत पड़ेगी जब ये लाइन आपकी पूरा पेज भर जाएगा ऊपर और नीचे करने की, तब ऐसे कंडीशन में आपका जो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है ये आपका आ जाएगा, तब आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं फाइल को। अगला दिया दोस्तों फंड। फंड में आप आएंगे तो आप यहाँ से इसकी फंड स्टाइल, फंड फैमिली और साइज बदल सकते हैं। जैसे दोस्तों ये टाइम्स न्यू रोमन आप चाहते हैं दूसरे टेक्स्ट में लिखा है तो आप यहाँ से आके दूसरा सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आप चाहते हैं बोल्ड रहे तो बोल्ड पे सेलेक्ट कर लीजिए, चाहते हैं साइज 48 जाए तो 48 जाएगी, यहाँ से ओके करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से आपका मैटर बदल जाएगा। अब देखिए व्यू में आएंगे, देखिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, नहीं जब हाईलाइट तो आप ओवर ड्राइव से आके इसको अनचेक कर दीजिएगा। करने के बाद अब व्यू में आइएगा, देखिए स्टेटस बार आ गया, जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे स्टेटस बार आपको दिखेगा, मैंने लाइन 1 कॉलम 1 लिखा है तो लाइन 1 कॉलम 1 दिख रहा है, तो नोटपैड के स्टेटस बार में बस इतना ही दिखाता है। और हेल्प में आएंगे तो हेल्प आपकी मदद के लिए होता है, जो कि दोस्तों मैं आपको बता दिया, आपको पहले से हेल्प दे दिया तो आपको हेल्प मेनू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर पढ़ना चाहते हो तो आप अबाउट नोटपैड पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस पे चलाया जा रहा है, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा जैसे व्हाट इज़ नोटपैड, नोटपैड क्या है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि नोटपैड इज़ अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू व्यू और एडिट टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल इज़ अ फाइल टाइप टाइपिकली आइडेंटिफाइड बाई द डॉट टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन नेम। हाउ डू आई ओपन नोट पैड, मैंने नोट पैड आप लोग ओपन भी करना बता दिया। फंट कह रहा है कि हाउ डू आई चेंज द फंट स्टाइल एंड फंट साइज, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे फंट की साइज बदलेंगे, कैसे स्टाइल बदलेंगे, फैमिली कैसे बदलेंगे, और कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे प्रिंट करना है वो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि प्रिंट ऑप्शन में जाके प्रिंट कर लेंगे, और डेट एंड टाइम कैसे इंसर्ट कराते हैं ये भी हम आप लोगों को बताएं, फाइंड रिप्लेस कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को बताएं, तो सारा सारा जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ इसमें दिया हुआ है दोस्तों।